अधरम मधुरम नयनम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जय जगन्नाथ। आमे माने कथा श्रवण करुथिले स्कंद पुराण अंतर्गत जगन्नाथंकर महात्म्यर कथा पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यर कथा। जेतेबेले इंद्रद्युम्न राजा पहुँची जाइछन्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र रे एवं अधिष्ठित देवतांकु प्रतिष्ठा कराहैछि नृसिंह भगवान को प्रतिष्ठा कराही सारी मंदिर सुंदर मंदिर टीए प्रतिष्ठित होती ता भितर अर्चा विग्रह प्रभु अर्चना करने जो विग्रह आवश्यकता अच्छी नारद मुनि आनी से प्रतिष्ठा कर वर्तमान परवर्ती कार्यक्रम पर प्रस्तुति आरंभ होरंभ हम सहस्र अश्वमेध यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ फलस्वरूप प्रभु आविर्भाव हे जो अश्वमेध मेध यज्ञ फलस्वरूप प्रभुंर चतुर्धा मूर्ति ए क्षेत्र में प्रतिष्ठित हेबे एवं कली युगरे एवं समस्त युग युग पाई एक ए ए मूर्ति ए ए, ए प्रभु समस्त मुक्तिर मुक्तिदाता ही सेठी प्रतिष्ठित हो रही एथिपाई प्रस्तुति चली समस्ते वर्तमान प्रस्तुत होती अश्वमेध यज्ञ करने समस्त को निमंत्रण कराई देवता माने आसी जो देवता माने एठी रही कौन से एक समय नीलमाधव को पूजा करुले किंतु नीलमाधव जेतेबेले अंतर्हित हो जाती समस्त मन दुखर थिले जे आउ से प्रभु को अर्चना करहब ना आउ से प्रभु को आराधना करहब ना जो प्रभु को अर्चनार फलस्वरूप आम स्वर्ग में रही पारे आमर स्वर्गर रहणी निश्चित हो पारे से प्रभु को आम आ दर्शन कर पारना तेणु देवता मैंने आसी पहुँची जामी प्रभु को सेठी प्रतिष्ठा कराव जहाँ को आराधना कले आमर एति पुण्य हम एति आम निश्चित भाव आम स्वर्गर रहीवार जो निश्चितता वृद्धि पाइब से समस्त व्यग्र अच्छा ऋषि मैंने आसी पहुँची जाइंटो जो ऋषि मैंने बारंबार शुणी यही क्षेत्र में प्रभु थे जोटी विश्वावश्य सबर तुम आराधना करुले से क्षेत्र महात्म्य से मुक्ति क्षेत्र महात्म्य समस्ते श्रवण करते कि आज प्रभु अंतर्हित हो जाती जो चतुर्धा मूर्ति प्रतिष्ठित हे दर्शन करने समस्त ऋषि मैंने आसी पुरोहित मैंने आसी राजा सहित समस्त पात्रमंत्री मैंने आसी सेवक मैंने आसी आज समस्ते प्रस्तुत होती केमी अश्वमेध यज्ञ कर समस्त को राजा उत्तम आसन अधिष्ठित कराई देवता मानंकु सुवर्णर आसन दिया ऋषि मानंकु मृगचर्मर आसन दिया ऋतिक मानंकु जो माने यज्ञ करिवे से मानंकु कुशासन दिया जाइछि समस्तंकु उत्तम आसन रे बसई दबा परे समस्तंक पाखरे कुतांजलि पुटरे राजा अनुरोध करुचंती केमिति ए सहस्र अश्वमेध यज्ञ सठिक भाव संपादित हब जाय इंद्रंक पाखरे पहुँची जाइचंती राजा इंद्र मध्ये आसीचंती ए क्षेत्र को सेठी अधिष्ठित होइचंती तांको एक सुंदर दिव्य आसन रे बसई दिया जाइछि हाथ जोड़ी राजा इंद्रद्युम्न इंद्र को कहुचंती जो कथा शास्त्र रे वर्णना कराई जे स्वर्गरे इंद्र आउ मर्त्यरे इंद्रद्युम्न भितर कौन सी फरक ना जदियो मर्त्यरे इंद्रद्युम्न जो प्रतिष्ठा देखि राजा इंद्र मध्ये ईर्षा करती से इंद्रद्युम्न राजा आज इंद्र पाखे जाए कृतांजलि पुटे हाथ जोड़ कहले प्रभु यो सहस्र अश्वमेध यज्ञ आम करने को जाऊँ से आपणकर पदवी नवार मोर कौन लालसा ना मोर एकमात्र लालसा मोर एकमात्र इच्छा जे प्रभु को ये प्रतिष्ठित करेबी जितेबले सहस्र अश्वमेध यज्ञ सरीज से प्रभु ये दारू रूप से आसवे एवं एटी चतुर्धा रूप से विराजित करार दायित्व मत मिली मत ब्रह्मा ये आदेश कर से दृष्टि मु सहस्र अश्वमेध यज्ञ करुच्छे आपत चिंतित हूँ ना ये अश्वमेध यज्ञ कर मुंकर पदवी नवा चाहूना ये गोटे कथा मुझे सूचे देवा चाहे जे इंद्र होती भोगर देवता जितेबले कौन सी व्यक्ति आपण मैंने अन्य देवता मैंने समस्ते स्वर्गरे रुहन्ति वरुणादि देवता मैंने सूर्य चंद्र इत्यादि देवता मैंने समस्ते स्वर्गरे रहन्ति किंतु इंद्रंकर जो पद से एक पदवी से कौन सी देवता नुहन्ति जी भी ये संसार भितर से पुण्यफल अर्जन कै से पुण्य को आहरण कै सी इंद्रपद को प्राप्त हुए तेणु इंद्रपद प्राप्ति करहब से से पदवी से एक पदवी ताको से कौन सी निर्दिष्ट देवता बसवे एमती किसी ठीक ना से जीए सहस्र अश्वमेध यज्ञ करे जीए परोपकार करे जहाँ पुण्यफल से बढ़ी जाए इंद्रपद मिल जाए से जिते बड़े कौन सी व्यक्ति मर्त्यपुर
विभिन्न प्रकार पुण्यकर्म करती जलाशय खोलती मंदिर प्रतिष्ठा करती एवं विभिन्न प्रकार जनहितकर कार्य करती सेतेबेले इंद्र डरी जाती जे काले तांकर पदवी नवापाई एभली व्यवस्था है कि से अनेक समय विघ्न सृष्टि करने प्रस्तुत हो था आपण मैंने अनेक शास्त्र मानक एक शुणी थे कहीं जदि जड़े बस कठोर तपस्या करुच्चे इंद्र डरी जाती जे काले पदवी नहीं जीवे कि जदि कहीं अनेक अश्वमेध यज्ञ करुँचे भी इंद्र डरी जाती काले पदवी नहीं जीवे कि आ पदवी पलगला भोग मिलना जो भोगर देवता होती इंद्र तेणु भोग को जेतेबेले देवता माने ए स्वर्गपुर रही भोग करती सेतेबेले धीरे 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 पुण्यक्षीण हो जाए जे आम योग कले परोपकार कले आम पुण्य बढ़ी थाए कि केवल ही केवल जदि भोग करा जाए ताहले पुण्य धीरे धीरे कमी कमी आसे से जेतेबेले आम शास्त्र कहे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंती जेतेबेले देवता मानकर पुण्य क्षीण हो जाए से माने मर्त्य को चली आसंती एवं एठी पुण्य अर्जन करी पुणी थरे देवत्व को प्राप्त हुवंती एवं स्वर्ग को जानती एक आम शास्त्र मानकर वर्णना रही से ए क्षेत्र होची पुण्यर क्षेत्र जोठी पुण्य अर्जन करहब से जेतेबेले इंद्रद्युम्न राजा अश्वमेध यज्ञ करने को चाहती से राजा इंद्र मध्य डरी जाइछंती जे काले से तांको पदवी नहीं जीवे कि काले तांकर इंद्र पद को छड़े नेबे किंतु इंद्रद्युम्न राजा अनुरोध करुछंती जे हे महाभाग मु आपणकर पदवी नवापई एक कथा करू नाही मोर जहाँ कर्म करुछि ताहा केवल प्रभु को प्रतिष्ठित करने जहाँ मत निर्देश होती आज राजा इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद करिसंदी इंद्र एवं समस्त देवता माने जो कर्म करने जाऊँचंती से कर्म निर्विघ्न हूँ आदेश मिली जाइछि से अनुसार इंद्रद्युम्न आज प्रभु को प्रतिष्ठा करने अश्वमेध यज्ञ करने प्रस्तुत होती एक सुंदर मंडप या शास्त्रानुसार दुई कोश पर्यंत विस्तार से मंडप एवं से मंडपर वर्णना असंभव कहीं विभिन्न जगार कौटी मणिमय मंडप रही कौटी रत्नमय मंडप रही विभिन्न प्रकार जगार विभिन्न प्रकार मंडप या पुरोहित माने ऋतिक माने जो भली भाव प्रभु को आवाहन करने प्रभु को प्रतिष्ठित करने जार आवश्यकता रही एक सुंदर दिव्य स्थान प्रस्तुत हो समस्ते आज प्रस्तुत होती से कार्य करने समस्ते वेदमंत्र उच्चारण करुँचंती प्रथम जो कार्य पितृ तर्पण कराई प्रत्येक कार्य करने पूर्व जितेबाला आम कौन जगार देव कार्य करने को जाऊ से आमको पितृ कार्य प्रथम करने को पड़े तेणु पितृ तर्पण हो समस्त कार्य को सुचारू रूपे संपादन कराई शास्त्रानुसार अति सुंदर भाव से आयोजन सब हो जो ब्राह्मण मैंने आसी से करुले यज्ञ करुले जो ऋतिक मैंने आसी यज्ञ करुले से पर कथा बुझिंट इंद्रद्युम्न राजा से पर विभिन्न जगार अवस्थापित कराई ताकि जेहेतु पर मुख्य मैंने आठ यज्ञ करेंगे तांको पिला माने तांको स्त्री माने चलिबापई सेमानकु एतिकी जिनिस दिहाइछि शास्त्र कहे सेमान जेमति पांच पुरुष चली परिबे से भली तांको व्यवस्था करा हाइछि सेतिकी नुहे जो यज्ञर आयोजन करा हाइथिला सेति प्रति समय रे प्रतिदिन पंचरसर भोजन दिया जाउछि एवं प्रत्येक व्यक्ति मानकु निज निजर आसन अनुसार निज निजर पदवी अनुसार देवता मानकु विभिन्न प्रकार दिव्य रत्न थाली रे जो ऋषि माने आसीथिले सेमानकु सुवर्ण थाली रे एमिति विभिन्न प्रकार खाद्य से पंचरसयुक्त खाद्य परसि दि जाने अति आनंद समस्त से यज्ञ करुंट जो थाली से खाऊँ जो सुवर्ण थाली हो कि रूपार थाली हो कि कंसार थाली हो पर्व खाई सारे से थाली की कहीं द्वितीय बार व्यवहार करूना ताकू फिंगी दि जाऊँगी ऐश्वर्य देखी कुबेर तटस्थ हो जाती कि प्रकार ऐश्वर्य ये रही अति सुंदर भाव यज्ञ कार्य आरंभ हो यज्ञ में नियोजित हो जाते राजा इंद्रद्युम्न एवं राणी जदिओ यज्ञ में नियोजित होगापे क्या भी कथा कह उचित नुहे पार्टी खोलिबा उचित नुहे आज मौन व्रत को अवलंबन कर उभय तथापि केमिति समस्त कार्य श्रृंखलित भाव में हम केमिति सब कार्य ठीक ठाक भाव में हम समस्त को ठारिकी हो राजा निजे से समस्त दायित्व को संपादन करुँचंती भाव अनेश्वतटी अश्वमेध यज्ञ संपादन एवं अति सुंदर भाव में से समस्त कार्य को संपादन होहेतम अश्वमेध यज्ञ हम से समस्ते प्रस्तुत होती जो प्रभु को आवाहन परे सब आयोजन जो प्रभुंर अवस्थापित करने इंद्रद्युम्न राजा जत्पर नास्ति चेष्टा चलती अनेश्वत अश्वमेध यज्ञ सारी से प्रभु आपण को मत बारंबार आशीर्वाद करूँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।